हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जहां पर हर नागरिक अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। अगर उसकी आमदन 1,80,000 तक है तो मुफ्त बनेंगे, अगर 1,80,000 से 3,00,000 तक है तो 1,500 रुपये का अंशदान देना पड़ेगा और उसको कार्ड मिलेगा। अगर 3,00,000 से 6,00,000 तक है तो 4,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर 6,000 से अबव है यानी कोई भी आदमी तो उसके 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। और उनको सारों को ये जो आयुष्मान भारत कार्ड है, पूरा परिवार, कोई परिवार के सदस्यों की लिमिट नहीं, कोई आयु की लिमिट नहीं, 5 साल तक 5,00,000 रुपए में 1 साल तक मुफ्त इलाज करवा सकते। देखिए, ये सरकार का हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल की है और बहुत ही बड़ी बात है ये कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। पहले सरकार ने रखा था कि 1,80,000 रुपए से नीचे जिसकी इनकम होगी उसका आयुष्मान बनाया जाएगा, वो बने। हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है, सबसे पहले हरियाणा प्रांत में लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, और अब सरकार ने नए आदेश जो जारी किए हैं उनमें 1,80,000 से 3,00,000 रुपए तक की जिसकी इनकम है उसको भी आयुष्मान से जोड़ा गया है। सिर्फ मात्र 1,500 रुपए देके आप अपना आयुष्मान बनवा सकते हैं, जिसमें आप 5,00,000 का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। उससे ऊपर भी 5,000 रुपए तक, जैसे जैसे जिसकी इनकम बढ़ती चली गई, 4,000 रुपए से आप आयुष्मान बनवा सकते हैं, 5,000 रुपए से आप आयुष्मान, जैसे जैसे जिसकी इनकम है उस हिसाब से सभी के ऑल इन वन यानी कि टोटल लोगों के आयुष्मान कार्ड भारत सरकार बनाने जा रही है।